हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले डीमार्ट के बारे में। यहाँ पे स्टॉक एक अच्छे खासे क्रिटिकल जोन पे है, या फिर लेवल्स बोल सकते हैं इन पे, इस पे है। इसका मेन रीजन है कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ये लेवल जो है काफी दिनों से सस्टेन हो रहा है। मतलब 29 जुलाई 2022 से ये लेवल जो है काफी दिनों से सस्टेन किया जा रहा है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिला है, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट या 3री बार यहाँ पे इसके जो ऊपर वाले लेवल से इस पे काफी बार सपोर्ट लिया है स्टॉक ने यहाँ पे। बट अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो आज एक स्टॉक में रेड में है, रेडनेस में है, यहाँ पे रेड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अगर देख रहा हूँ 4168 पे है इसका लेवल। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे गिरा, लाइक फॉर एग्जाम्पल नीचे गया और स्टॉक ने एक और कैंडल इसके नीचे प्रिंट करी, लाइक मतलब ऐसा कुछ मोमेंट आया, यहाँ से स्टॉक नीचे चला गया और फिर एक अच्छा खासा जो कैंडल है वो इसके नीचे प्रिंट हुई, तब जाके स्टॉक में अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसका अगर स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ तक कम से कम आने के चांसेस है। मैं पर्सनली यहाँ पे बाइंग्स करूंगा अपनी, इस सारे लेवल्स पे अपने ऑर्डर्स लगा के रोक छोड़ दूंगा 3915। इस दिस इज बिकॉज क्योंकि अगर आपको पता हो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो यूजुअली क्या होता है फेस्टिव सीजन में जो डी मार्ट के जो सेल्स है काफ़ी एग्रेसिवली इंक्रीज करती है। और अगर अपने रिजल्ट्स देखें तो कंपनी का डी मार्ट के रिजल्ट्स हैं जो है काफ़ी एग्रेसिव हैं एज़ कम्पेयर टू जितने भी FMCG में हैं, FMCG या फिर इसको बोल सकते जितने भी शॉपिंग में हैं, सारे में सबका एक अच्छा खासा रेवेन्यू था इस बार के सेल्स में। क्योंकि अगर उसके अलावा कंपनी का अगर आपको डी मार्ट में इन्वेस्ट करना है ना, तो अभी इस टाइम पे एक अच्छा बेस्ट टाइम है। क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो हर साल के हर मंथ के फर्स्ट तारीख को, जैसे दिख रहा होगा फर्स्ट, जैसे फर्स्ट ऑफ सितंबर हुआ, फर्स्ट ऑफ सितंबर में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम था। मतलब कि मंथ एंड में एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है क्योंकि उस टाइम पे सैलरीज आती है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम रहता है स्टॉक में। यहाँ पे अगर आपको इस बार भी देखा तो इस बार भी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर देखो यहाँ पे अप ट्रेंड में था स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले पूरा मंथ ये डाउन ट्रेंड में था, बट सिर्फ फर्स्ट ऑफ जो मंथ है उस टाइम पे अच्छा खासा अप ट्रेंड में था। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 28 जुलाई से लेकर अपना 4th ऑफ अक्टूबर अगस्त तक एक अच्छा खासा अपसाइड में था। तो अभी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, आप इसको सेल करने ना जब एक अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा स्टॉक में, जब फर्स्ट नेक्स्ट जब नवंबर आएगा तब आप इसमें, या फिर December 1 जब आएगा तब इसमें सेल ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स में काफ़ी इतना कुछ ऐसा है नहीं, एज सच वॉल्यूम्स एज सच एवरेज है यहाँ पे, बट यहाँ पे चांसेस है कि एक अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम आए, या फिर ग्रीन या फिर रेड वॉल्यूम आ सकता है। क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टॉक एक अच्छे खासे रेंज में, वॉल्यूम में भी एक रेंज में है, मतलब कि ज़्यादा ना बड़ा आ रहा है ना छोटा आ रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम्स नहीं आया अभी तक स्टॉक में। तो चांसेस है कि एक अच्छा बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा स्टॉक में, ठीक है। बाकी अगर RSI फोकस करें, RSI एक बार देखें हम लोग, तो RSI जो है एज इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है स्टॉक में। जो यहाँ पे अभी है 40 पे चल रहा है RSI, तो यहाँ पे मैं पर्सनली 40 अगर यहाँ पे इस आई लेवल्स पे आ गया, 3400 के लेवल्स पे आ गया, तो यहाँ पे स्टॉक हमको 30-35 के RSI पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे बाइंग की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टॉक में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग एक बार MACD पे फोकस कर लें कि स्टॉक का किस तरफ मोमेंटम रहेगा, अपसाइड मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक काफी बेरिश दिखा रहा है। यहाँ पे बेरिश दिखा रहा है इन द सेंस कि यहाँ पे ये जो है अभी बेरिश दिखा रहा है, इन द सेंस कि यहाँ पे स्टॉक में एक डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग को पर्टिकुलरली एक इंडिकेट करता है कि स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो यहाँ पे भी हो सकता है, इस वाले लेवल्स पे भी सपोर्ट ले सकता है स्टॉक, पहला सपोर्ट, और यहाँ पे और इस वाले लेवल्स पे भी ले सकता है। तो आपको जो फर्स्ट बाइंग करनी है इस वाले लेवल्स पे, थोड़ा मैं अगर उसको इंडिकेट करूँ आपको वैल्यूज के हिसाब से, तो हम लोग का प्राइस लेवल्स तो हम लोग लगाए थे यहाँ पे, हमारा पहला प्राइस लेवल और हमारा दूसरा प्राइस लेवल यहाँ का है। तो हम लोग दो लेवल्स पे फोकस करेंगे यहाँ पे बाइंग्स वगैरह करनी है, तो आप पहले इस वाले पे कर लेना और फिर इस वाले लेवल्स पे कर लेना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डीमार्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।